अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू गोश्त की रेसिपी। यहाँ पे मैंने प्याज को ब्राउन होने के लिए रख दिया है, ठीक है। मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। जब ये ब्राउन कलर का हो जाएगा तो मैं इसे अलग से पेपर पे निकाल लूँगी। जैसे हम कोरमे के तरह लिए ब्राउन करते हैं, उस तरह का ही मैं इसको ब्राउन करूँगी, ठीक है। ये प्याज यहाँ पे ब्राउन हो चुकी है और मैंने इसे पेपर पे निकाल लिया था ताकि ये जो है इसे मैं सुखा लूँ और जब ये क्रिस्पी हो जाएगी तो इसको यूज़ करूँगी। अब ये देखिए यहाँ पे मेरा ऑयल है। अब मैं इसके अंदर जो है अपना गोश्त ऐड करूँगी और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। तो मैंने थोड़े से लहसुन अदरक करके अब मैं इसके अंदर अपने गोश्त को ऐड कर रही हूँ और मैं इसे अच्छे तरीके से क्या करूँगी, भूनूँगी ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। इतना मैंने इसको भूनना है अपने गोश्त को, ठीक है। आप देख लीजिए अभी मैं इसको ऐड कर लूँगी। उसके बाद ये मैंने चम्मच हिलाना शुरू कर दिया और जो है अब मैं इसे भूनूँगी कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कोरमा मसाला ऐड किया है जब इसका कलर चेंज हो गया था, अब मैं भूनूँगी। देखिए यहाँ पे मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ और मैंने इसके अंदर हल्का सा पानी भी ऐड किया है और जो है मैं अपने गोश्त को अच्छे से क्या कर रही हूँ, गला रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे जब मेरा गोश्त जो है थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ने पे आया तो मैंने इसमें दही भी ऐड कर दिया और जो है अब मैं इसको दही डाल के अच्छे से भून लूँगी। और उसके बाद क्या है कि मैं अपने गोश्त को जो है गलने के लिए रख दूँगी कुकर बंद करके। गोश्त डन हो गया था तो मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। गोश्त मेरा प्रॉपरली फुल कुक नहीं हुआ है, थोड़ी सी अभी इसमें कमी बाकी है, बाकी वो आलू के साथ डन हो जाएगा। और मैंने इसमें कोरमा मसाला ऐड किया है, मैं थोड़ा कोरमे के टच के साथ बनाऊंगी। और जो है क्या कहते हैं इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था और बाकी जो है मैंने 2 टेबल स्पून कोरमा मसाला ऐड किया था और जो है मैंने 1 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर भी ऐड किया है और बाकी मैंने पिंच जो है इसके अंदर टर्मरिक पाउडर ऐड किया था। अब वो जो मैंने प्याज शुरू में निकाल लिया था, देखिए उसको जो है इसके अंदर मैंने कूट लिया, दरदरा सा कर लिया। अब मैं ऊपर से इसको शामिल कर रही हूँ जबकि मैंने अपने आलूओं को अच्छे से भून लिया है। उसके बाद अब जब मैं ये प्याज शामिल कर दूँगी उसके बाद मैं इसे प्याज के साथ अच्छे से भूनूँगी। देखिए मैं अपना प्याज शामिल कर रही हूँ, देखिए अब मैं उसे प्याज के साथ अच्छे से भून रही हूँ। बहुत अच्छा बनता है, बहुत डिफरेंट बनता है, बहुत मज़े का बनता है। आप यहाँ देखें मैंने अच्छे से भून लिया, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, ठीक है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और जितना मुझे चाहिए। अब यहाँ मैंने आलूओं को गलाने के लिए रखना है तो मैंने इसमें अगेन पानी ऐड किया है और जो है अब मैं कुकर को बंद कर दूँगी। लीजिए मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार है रेसिपी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।